सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, हम सीख रहे थे तमाम टूल्स के बारे में और हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स पार्ट 19 में, 19वें अध्याय में। तो दोस्तों, हम तमाम टूल्स के बारे में सीख रहे थे, तो इस बार जो टूल्स है वो है टेक्स्ट टूल। और टेक्स्ट टूल से देखिए, यहाँ से हम टेक्स्ट टूल के बारे में सीखेंगे और टेक्स्ट टूल की इसकी प्रॉपर्टीज में जो टूल्स आ रहे हैं हमारे पास, उन सभी टूल्स के बारे में हम वन बाय वन करके जानेंगे। एक्चुअली जो टेक्स्ट टूल्स को जो सिखाने का है वो पार्ट में दो भागों में लूंगा, दो वीडियोज में हम सीखेंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा। एक्चुअली टेक्स्ट टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आजकल के जो ग्राफिक्स डिजाइन आप देखेंगे, बैनर वगैरह देखेंगे, पोस्टर वगैरह देखेंगे, तो उन पर तरह तरह के स्टाइल में जो है टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं। आपने देखा होगा कोई कॉफी का जो अभी कंपनियां चल रही है ब्रांडेड, उनकी कॉफियों के कवर पर आप देखोगे तो 3D स्टाइल में लिखे होते हैं, अक्सर उभरे हुए लिखे होते हैं। तरह तरह की स्टाइल आप देखते हैं और आप सर्च करते हैं कि कैसे लिखी जा सकती है। एक्चुअली ये काम कोरल ड्रॉ में भी होता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क हो जाता है, और यही कारण है आजकल के युग में आजकल का जो काम हो रहा है वो ग्राफिक्स डिजाइन का सबसे ज्यादा फोटोशॉप से होने लगा है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट की जो स्टाइलिश है वो बेहतरीन है और बहुत ही इजीली हमें मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं टेक्स्ट के ऑप्शन पर और टेक्स्ट के बारे में हम सीख लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है ओरिजेंटल टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे, पहला ही हमें टूल सिलेक्ट करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उनके बारे में हम सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से टेक्स्ट टाइप करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ से जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर लेयर बार में है। तो लेयर्स में आप देखिए कि जैसे आप कर्सर पर क्लिक करते हो यहाँ पर न्यू लेयर बन जाती है, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर जब भी कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे तो नई लेयर बनती जाएगी, क्योंकि टेक्स्ट का काम ही ऐसा है कि हमें कभी भी कोई भी टेक्स्ट चेंज करना पड़ सकता है। तो अलग अलग लेयर्स पर वर्किंग करेंगे, इस बात पर आप विशेष बहुत ही ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हर अलग अलग टेक्स्ट के बारे में हम सीखेंगे तो वो टेक्स्ट खराब हो सकता है। तो हम अच्छे से जानेंगे कि हाँ टेक्स्ट को जो यूज है वो क्या होगा। तो लेयर्स का जरूर ध्यान दें, लेयर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया है वो जरूर देखें। और यहाँ पर देखिए, अब टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ न्यू, सॉरी यहाँ पर जो साइज इसकी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसकी यहाँ से जो है साइज हम छोटी कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको 30 पर करके कर लेता हूँ, यहाँ पर 30 पर कर लिया, और इसको यहाँ पर लिखते हैं न्यू। जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि फॉन्ट स्टाइल मेरे में दूसरी सिलेक्ट की हुई थी, तो इस तरह से दिखा रहा है, कोई इंग्लिश वाले फॉन्ट ले लेते हैं। सिंपली जो सिंपल जो फॉन्ट होता है वो ऑटोमेटिकली जो एरियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से जो कि ये सिंपल फॉन्ट जो है चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ न्यू टेक इजी। आप देखिए न्यू टेक इजी मैंने टाइप कर दिया, और न्यू टेक इजी टाइप करते ही आप देखोगे इस तरह से आपके सामने टेक्स्ट आ गया। और वन बाय वन करके आज हम इसकी प्रॉपर्टीज बार के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं इनके बारे में सिखाऊंगा। नेक्स्ट जब आऊंगा तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा टेक्स्ट पर बेहतरीन डिजाइने देना, 3D डिजाइने देना, बहुत ही खास खास डिजाइने देना, इतने स्टाइलिश से टेक्स्ट टाइप कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश में आप पहुंच जाएंगे टेक्स्ट की, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में देखा होगा कि वहां से आप 3D बहुत अच्छा टाइप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा और बहुत इजी तरीके से, जो कि वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब आप अखबार की डिजाइनिंग करते हैं, जब आप पोस्टर की डिजाइनिंग करते हैं, जब आप कवर्स की डिजाइनिंग करते हैं, जब आप बैनर की डिजाइनिंग करते हैं, जब आप और डिजाइनिंग जो है वो करते हैं, तो उस समय ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली कोई भी टेक्स्ट हो उस पर इफेक्ट तभी पड़ता है जब हम उसे सिलेक्ट करते हैं, चाहे वर्ड पेड में हो, चाहे नोट पेड में हो, चाहे फोटोशॉप में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन में ही क्यों ना हो। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टीज को जो है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो ये है कि जो आपका टेक्स्ट लिखा हो वो सीधा खड़ा हो जाएगा। आपने स्कूल के पोस्टर्स पर देखे देखे होंगे कि जो स्कूल का नाम है छोटे पोस्टर होते हैं उस पर लंबाई में लिखा हुआ है, जैसे कोई स्कूल है मान लीजिए विवेकानंद कोई स्कूल का नाम है तो आप लिखिएगा वो आएगा उस पर विवेकानंद, तो लंबाई में जो उसका नाम लिखा हुआ आएगा। और इसको कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं, फिर से देखिए कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो फिर से उसी तरह पे आ गए दूसरी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। और यहाँ से आप मूव टूल की सहायता से आगे पीछे हल्ला कर कर सकते हैं, साइज रिसाइज भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो साइज आप फॉन्ट स्टाइल से ही बढ़ाए ताकि वो HD में जो क्लियरिटी में आपको जो है साइज दे। और यहाँ से फिर से इसी लेयर पर सिलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट बार पर फिर से चले जाते हैं, और
यहाँ से इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए, और सेकंड प्रॉपर्टीज को इसकी समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज जो है इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज है, और यहाँ से फॉन्ट फैमिली जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ से आपके कंप्यूटर सिस्टम में लैपटॉप में जितने भी सारे फॉन्ट होंगे वो सिलेक्टेड आ जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट आएगा वो एरियल आएगा, एरियल क्योंकि जो है बाय डिफॉल्ट होता है बहुत अच्छा माना गया है एरियल, और आपके लिए काफी अच्छा होगा एरियल। तो एरियल के अलावा बहुत सारे फॉन्ट जो आप अपने स्टाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि आपने नोटपैड वर्ड पर पढ़े हैं तो आप इनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ पर फॉन्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपली यहाँ से देखिए फॉन्ट इस तरह से चेंज हो सकता है, बहुत ही अच्छे अच्छे फॉन्ट है जो चेंज हम कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखोगे जो इसका जो रेगुलर आ रहे हैं वो इसकी स्टाइलिश में ही आते हैं, ये मान लीजिए यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेगुलर और जो टेक्स्ट की जो स्टाइल्स है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल्स है जो हम यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं। ये भी जो ये ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है, उसका कारण ये है कि ये हर एक टेक्स्ट पर जो है अप्लाई नहीं होगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट पर जो है अप्लाई होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। इसमें कुछ नहीं है, नोटपैड में आते हैं सिंपली फॉन्ट स्टाइल, तो रेगुलर आ जाएगा, बोल्ड आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि टेक्स्ट की साइज देते हैं, ये देखिए सिलेक्ट करने के बाद इतना ऐसा टेक्स्ट की साइज हो गई, इतनी जो है टेक्स्ट की साइज हो गई। और यहाँ पर जो सरफ है ये थोड़ा सा ऑप्शन है, नन सरफ क्रिफ और स्ट्रॉन्ग स्मूथ, ये देखिए स्मूथ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, देखिए नन पर अभी रहने देते हैं। और यहाँ से आप देखोगे जो ये वाला ऑप्शन है वो देखिए सेंटर में लेके आता है, साइड में लेके आता है, और इसको है लेफ्ट राइट का करने में काम होता है, फिलहाल सेंटर में यहाँ पर इस साइड वाले में रखने देते हैं। इसलिए इसका यूज कहाँ होता है आप यहाँ पर नहीं समझ पाओगे, जब प्रोग्राफ में लिखेंगे, चलो समझ कर देख लेते हैं, प्रोग्राफ में लिखकर नई लेयर ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है इसको रहने देते हैं, और यहाँ पर कोई इसको एंटर कर देते हैं, और फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं नई लेयर को, नई लेयर पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई नई लेयर ले लीजिए, और नई लेयर के लिए हम कैसे नई लेयर बनाते हैं वो मैंने बताया भी था, और इसको तो आप एंटर कर दीजिए, इसको कुछ नहीं करना, और यहाँ से जो बैकग्राउंड लेयर आप देख रहे हैं उस पर हम कोई वर्क नहीं करने वाले, और यहाँ से न्यू लेयर में क्रिएट कर लेता हूँ, ये देखिए न्यू लेयर आ गई, और इस न्यू लेयर पर मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर मैं आप टाइप करता हूँ, देखिए टेक्स्ट की नई लेयर आ गई, जिस न्यू लेयर थी वो देखिए लेयर ऑटोमेटिक बन चुकी है, ये न्यू टेक इजी वाली, और अब जो यहाँ पर हम लिखेंगे वो वाली टेक्स्ट आ गई। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं जैसे आप कब आओगे, कुछ भी ले लीजिए आप आर कुछ भी, और यहाँ पर कुछ भी देखिए इस तरह से हम टाइप करते हैं, इस तरह से हम प्रोग्राफ टाइप करते हैं, और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी थोड़ी साइज जो है हम कम करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, और यहाँ से जैसे मैं साइज कम करूँगा ये देखिए इस तरह से आ गया, और यहाँ से अब साइज कम कर देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है इसको अलाइन कर देगा जो सेंटर में लेकर आ जाएगा, इस तरह से देखिए तीनों जो है बराबर जो है सेंटर में आ चुके हैं, ये देखिए आप, अब देखिए तीनों का जो सेंटर है वो बराबर में आ चुका है, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी साइड में आ चुकी है, इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आप देखिए एक तरफ हो चुकी है, इस तरह से टेक्स्ट में इसका यूज होता है। चलिए वापस अपने उसी पर चलते हैं और कंट्रोल मिनिमाइज कर देते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, और यहाँ से हम क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई कलर ले लीजिए, ये देखिए ब्लू कलर इसका हो गया, और यहाँ से एक फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थोड़ी, तो ये देखिए सिंपल कर देते हैं, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसे सिंपल करेंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमने इसे सिंपल कर दिया, और यहाँ से जो आप इसका साइज वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इसको तो प्रॉपर्टी मैंने बता दी, उसके बाद कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो यहाँ पर आई के निशान का जो लिखा हुआ है वर्प टेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं, वर्प एडिटिंग यहाँ पर होती है, देखिए क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट, रैप्ड टेक्स्ट को जो है यहाँ से हम अच्छे से बना पाएंगे, यहाँ पर नॉन है सॉरी नन है, और यहाँ से देखिए तरह तरह की डिजाइनिंग हम दे सकते हैं, ये देखिए ये वाले कोई डिजाइन है इसको हम देना चाहिए तो यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं, ये देखिए टेक्स्ट की डिजाइन इस तरह से हो गई, इसको कितना ज्यादा बैंड कितना डालना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से देखिए, और यहाँ से जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप खुद ही समझते जाइए, देखिए तो जो जो हमारा मैटर था वो पीछे से जो है पतला होता गया आगे से चौड़ा होता गया, इधर करेंगे तो इधर से जो पतला हो जाएगा पीछे से चौड़ा हो जाएगा, इसे मत बीच में रहने देते हैं, और यहाँ पर जो है
हम क्लिक करते हैं और जो वर्टिकल डिस्ट्रेक्शन है उस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए चौड़ा हो जाता है, ये देखिए छोटा हो जाता है, ये देखिए। तो एक्चुअली ऐसे टेक्स्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम कोई स्कूल का जो पोस्टर बनाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल पर घुमावदार स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है, बीच में जिला और गांव का नाम लिखा हुआ होता है, वहां पर इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। किसी पर्स पर आपको लिखना हो तो इसका यूज होता है, फ्लोर वगैरह पर आपको डालना हो ऐसे नाम तो वहां पर इसका यूज होता है। और यहाँ से जैसे हम फ्लैग ले लेते हैं, फ्लैग इस तरह से जो है इसका भी हम उसी तरह से, ये देखिए इस तरह से यूज दे सकते हैं। और यहाँ पर जैसे वर्टिकल पर आप क्लिक करोगे तो जो इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह से देखिए, आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर करके सारे देखिए, ये बाका मैं आप पर छोड़ता हूँ। और यहाँ पर देखिए समुद्र वगैरह पर जब आपको टेक्स्ट टाइप करना हो तो वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है, यानी लहरों के साथ इसको जो है मैचिंग करवाना हो तो वहां पर इसका यूज लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्स्ट हैं, ये जो आप ये वाला टेक्स्ट देख रहे हैं ट्विस्ट, ट्विस्ट का यूज भी है बहुत ज्यादा लिया जाता है, जैसे कोई शुभ कार्यों पर ज्यादातर इसका यूज लिया जाता है। मतलब जो वहां पर ट्विस्ट वगैरह आप देखते होंगे बने हुए होंगे, जिसे हम साठा वगैरह इस तरह से कुछ बोलते हैं, और उसके लिए जो है वेडिंग में इसका यूज लिया जाता है। यहाँ से जो राइस की तरह आप कर सकते हैं, मतलब तिरंगे की डिजाइन भी आप इसे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा तिरंगे में भी जब हम किसी नाम को लिखना चाहे तो। और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, ये आप सिलेक्ट कर करके देखिएगा, इस ऑप्शन में सिर्फ इतना है और मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के जो ऑप्शन आएगा वो आप पर देख सकते हैं, टॉगल द करेक्टर एंड प्रोग्राफ पैनल्स। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से आपके जो पैनल है वो सारा का सारा आ जाएगा, और इस तरह से एक नई प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। इसमें एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे जो जो पहले वाले यहाँ पर लिखे हुए थे वो के वो सारे के सारे ऑप्शन है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है वो के वो ऑप्शन है। और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल हो ये वाली जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके इससे क्या होता है कि आपके जो प्रोग्राम में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके बीच का जो है स्पेस बढ़ता है। या मान लीजिए ये वाला प्रोग्राम पर हम चलते हैं और प्रोग्राम के जितने बीच के जो टेक्स्ट है वो जो है यहाँ पर मिलते हैं हमें सारे के सारे टेक्स्ट। तो ये मान लीजिए प्रोग्राफ वाले पर चलते हैं और ये वाला प्रोग्राफ वाला हम सिलेक्ट करते हैं, और इस पर जैसे ही मैं ऑटो को क्लिक करके देखता हूँ तो देखिए किस तरह से, देखिए छोटे हो चुके हैं। और इसको जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं तो इस तरह से और ज्यादा कम हो गया, और इसको जैसे ही हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से देखिए बहुत दूर दूर चला गया। तो जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए फिर से उसी पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो आप देखेंगे इसका यूज होता है अक्षरों के बीच में जो है लाइन बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने अक्षरों के बीच में लाइन बना दी, यहाँ पर देखिए मैंने इतना स्पेस दे दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे अक्षर वगैरह जो है छोटे हो जाते हैं। एक्चुअली इसका यूज कहाँ होता है, एक्चुअली कई फॉन्ट जो है क्या होते हैं कि जैसे उनका इफेक्ट हम डालते हैं तो वो बहुत ही पास पास आ जाते हैं, सर्जर में आ जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के, तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हम उन्हें थोड़े अलग करें, तो इसका यूज वहां पर होता है। यहाँ से आप देखेंगे टेक्स्ट की जो साइज वगैरह है, जो लंबाई है वो छोटी वगैरह ज्यादा वगैरह कम वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ 15% कर देता हूँ, तो 15% करते हैं, देखिए कितनी छोटी कर चुकी है। तो हम यहाँ पर सिंपली 100% करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं, ये देखिए 100% जो है फिट होती है। और यहाँ से जो आप देखेंगे किसी अक्षर को बड़ा छोटा करना हो, ये मान लीजिए ये ईजी वाला जो सॉरी इस पर क्लिक करते हैं, ये वाला फिर से न्यू टेक ईजी पर आ जाते हैं, जो है लेयर्स नई बन गई, और टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है इस पर क्लिक कर देते हैं और इतना तक सिलेक्ट करते हैं, तो इससे जो एक अक्षर है वो छोटा कर देंगे और सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। उस तरह से इसका यूज होता है। देखिए 20 पर कर देता हूँ, तो ये देखिए 20% जो है ऊपर चला गया, 20% थोड़ा नीचे आ जाएगा इस तरह से। और ये इसकी टेक्स्ट की सारी डिजाइन है जो बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसी पर मैं थोड़ा सिलेक्ट करके आप दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से आप इसे यहाँ से इटालिक कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, अंडरलाइन यहाँ पर डाल सकते हैं, और बीच से आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे वर्क इसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। और टेक्स्ट के जो अलग इफेक्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हम सीख रहे थे तमाम टूल्स के बारे में।